वरि या यह कुरान कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्लाह सुबहान तौ की नेमतों के दिल से शुक्रगुजार होंगे जिंदगी में आने वाली परेशानियों पे मुसीबतों पे बीमारियों पे अनवांटेड इवेंट्स पे मुस्कुराते हुए रदीतु बिल्ला रब्बा कहते हुए मुस्कुरा के कह रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग टू कंप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह वमा तोफ़ी इल्ला बिल्ला हमने सीरतलनबी वसल्लम का आगाज़ किया आप सल अल्लाह वसल्लम की मोहब्बत मोहब्बत की शिद्दत अपने दिलों में महसूस की और एक नया जज्बा कि हम आप सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम की जात को जानने पहचाने और उनके अहकाम पे अमल पैरा होने की मुकम्मल कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र का आगाज़ हो चुका है आइए देखते हैं आज हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्ला वसम के बारे में क्या जानते हैं पहले मुझे ये बताइएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुल नबी अलैहि वसल्लम का सफर शुरू किया आप लोगों को अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस हुई यहाँ पे

तो दिल में तड़प पैदा हो एक मोहब्बत थी जैसे मैं शुरू से मुसलमान घर में पैदा हुई मुझे पता था कि हज एक फरीजा है लेकिन दिल में हज करने की तड़प नहीं थी इसी तरह हम सबको पता था कि हजूर पाक सल्लाम हमारे आखिरी नबी हैं लेकिन उनके बारे में जानने का तजस नहीं था मोहब्बत नहीं थी और जैसे जैसे इस सफर में मैं तो आगे बढ़ रही हूँ तो ये तजस्टी जो है वो बढ़ती जा रही है ऑनलाइन में पूछिए आप अपनी फीलिंग्स शेयर करें आप बताइए कि आपके अंदर क्या तब्दीली आई और आपको क्या महसूस हो रहा है अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे लिए तो हर चीज से बढ़कर हैं लेकिन हम उनको जो है वो उस तरह नहीं जानते जिस तरह हमें जानना चाहिए जब इस क्लास का आगाज हुआ तो हम सबसे पहले तो ये कि शजरा नस है हमें कुछ मालूम नहीं और ये जो हम बातें पढ़े हैं इसके बारे में ना हमें कभी हमारे किताब में निसाब में पढ़ाया गया ना हमें कभी किसी हमारे पेरेंट्स ने बताया बस ये बताया है कि हमारे नबी सल वसम है दर उद इब्राहिन्नी पढ़े इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं अगर हमारी इतनी हमारे नबी हमारी इतनी अजीम शख्सिय जिनके लिए इस दुनिया को बनाया गया हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला है तो इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी कि कम से कम मैं कुछ लिखती हूँ कुछ जानती हूँ उनके बारे में जिससे मुझे कुछ एटलीस्ट ये पता चला है कि उनके पास क्या था उनके बाजदाद क्या थे तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि उम्र के इस हिस्से में एटलीस्ट आके मैंने कुछ तो अच्छा सीखा है और जो पढ़ाई आज तक हम करते रहे हैं उससे बेहतरीन पढ़ाई ये थी जो मैंने अभी की है इसमें कोई शक नहीं है और आप माशाल्लाह इतनी कोशिश कर रही हैं मैं आपको एडमायर भी करना चाहूंगी जितनी खलूस से जितनी कोशिश से आप सीख रही हैं अल्लाह सुबहान तला आपके लिए बहुत आसानी करे कहते हैं ना जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना नाम याद कराना नहीं पड़ता टीचर को खुद ही पता चल जाता है कि यह आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ और आप लोगों का जोश और जज्बा मुझे हिम्मत देता है कि मैं इस सफर में आगे बढ़ू अलमार साहिबा आप एन डी कुछ शेयर करना चाहेंगी असलाकुम जी मैम बहुत खुशी हो रही है उस दिन से बहुत ज्यादा जैसे आज भी इस बहुत ज्यादा सुबह से वेट कर रही थी कि क्लास हो और कुछ और मालूम और मिले और बहुत बिल्कुल बहुत खुश दिल, है इस बात पे ना क्योंकि खुद से पढ़ा नहीं जा रहा थोड़ा सा पढ़ लिया फिर वो बोल भी जाता है

हाँ जी को वालेकुम अस्सलाम ये है कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैं इससे पहले भी कनेक्टेड थी एक दो दर्ज क्लासेस से और उससे लेकिन नबी के सिलसिले में कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे हम वो करते और सुनते और वो करते लेकिन अभी बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है एक नए सिरे से हमारा सारे का सारा जहन में जो हमने पहले पढ़ा था किया था वो सब नए सिरे से हमारे जहन में फ्रेश हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे करके और वो होमवर्क करके और वो अच्छा। हमने पहली क्लास में आप ले ले वाली वसल्लम की तरफ अपना पहला कदम लिया और वो पहले कदम चलते चलते कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हम आधी सीढ़ी पे चढ़ गए हैं ऐसे तरह सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो एक दिन वो दिन भी आएगा कि हम मुकम्मल सीरत से इनशाला के करम से उसकी तोफीक से आगा हो जाएंगे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे रिकैप का फायदा ये होता है कि पॉइंट्स आपके जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो नाम कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग रहे हैं वो आसान लगेंगे और जबान पे चढ़ जाएंगे हमने देखा कि इब्राहिम ने दीन इब्राहिमी की इब्तिदा मक्का में की वहां पे हजरत इसमाइल आसम और हजरत हाजरा सलाम को वहां पे छोड़ा वहां पे हजरत हाजरा सलाम की दुआ से जमजम का कुआ निकला अल्लाह व तआला को उनका दौड़ना इतना पसंद आया कि जमजम निकल आया के के निकलने के बाद कबीला जुरहम वहां से गुजर रहा था उन्होंने हज़रत हाजरा से परमिशन ली और वहीं पे आबाद हो गया उन्होंने कहा कि हम पानी के बदले आपको मुआवजा देंगे जब ऐसे हो गया तो वहां पे आबादी शुरू हो गई इन द मीन टाइम हजरत सलाम वहीं पे रहे उन्होंने बहुत सी चीजें कबीला जुर्म से सीखी उनके स्किल्स बहुत डेवलप हुए उनकी शादी भी कबीला जुरम में हुई उनकी उम्र वन थर्टी सेवन ईयर्स थी और उनके बारह बेटे थे बारह बेटों में से दो बेटे जो थे वो प्रोमिनेंट थे नाबिद और केदार उन दोनों ने अः खाना काबा की मुतवलीत को हाथ में रखा लेकिन वो किसी भी सियासी चीज में शामिल नहीं हुए पॉलिटिकल अफेयर्स जितने थे वो जुरहम कबीला ही हैंडल कर रहा था लेकिन जुरहम कबीला जो है वो इखलाक पस्ती का शिकार हो गया हजरत इसमाईलम की वफात के बाद हजरत हाजरा की वफा के बाद हमला किया जुरहम कबीले को बनु बकर के साथ मिलकर डिफीट किया और बनु खजाया जो था वो सारा कॉन्कर कर लिया उसके बाद क्या हुआ जुरम कबीले ने यमन जाने से पहले क्या किया था हिजरे असम जो था वो और खाना खाबे में रखे हुए सोने के बोल उन्होंने कुएं में डाले उसको कवर कर दिया ताकि वो किसी की पास ना रहे इस तरह कहीं सौ साल तक जो था वो बंद रहा बीच में हम देखते हैं कि जब बनु खुजाया ने सारा कोंकर कर लिया बनु खुजाया ने पूरा कोंकर कर लिया तो बीच में से उनके दरमियान एक शख्स पैदा हुआ कुछ सही तो सही के वालिद का इंतकाल हो गया उनकी वालिदा उनको लेके शाम चली गई शाम में उनकी तरबियत हुई ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज उनमें आई कुसेल को कुसई को जब पता चला कि वो बेसिकली मक्का से बिलोंग करते हैं तो वो वहां पे वापस आए वहां पे आए तो हुलैल जो उस वक्त काबे के मुतवली थे उनकी बेटी से उनकी शादी हो गई जब हुल फोर्थ हो गए तो बनुकिया और हुर के वारिसों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें कुसई जीत गए कुई ने दारुल नदवा कायम किया कुई के कुछ हकायक के बिना पर आ, तीन बेटे थे कुछ के बिना पर चार बेटे थे उनमें से दो प्रोमिनेंट थे अब्दुलदार और अब्दुल मुनाफ अब्दुल मुनाफ जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनके अंदर बहुत क्वालिटीज थी अब्दुलदार जो थे वो इतने इंटेलिजेंट थे जिसकी वजह से कुछ सही ने ज्यादातर ओहदे जो थे वो अब्दुल अब्दुल अब्दुलदार को दे दिए अब्दुलदार जब फोर्थ हुए तो फिर ओहदे तकसीम हुए और कुछ ओहदे अब्दुल मुनाफ़ के पास आ गए इनके बच्चों में से हाशिम खास तौर पर सामने आए खसूस पानी पिलाना और खाना खिलाना रिफादा और सिकाया ये दो जो थे ग्रुप्स या ड्यूटीज ये इनके हिस्से में आ गई जब हाशिम के इंतकाल हुआ तो जानशीनी जो है वो अब्दुल मुतलिब के पास आ गई अब्दुल मुतलिब के बेटे थे अब्दुल्ला जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे उसके बाद हमने देखा कि कैसे बन के बनु खुजाया के एक प्रोमिनेंट सरदार थे अमर बिन लोहई जो शाम गए आ, तिजारत के लिए वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि शाम के लोग जो है वो परस्ती कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो क्या तो सब ने कहा कि ये बुत जो हैं ये हमारी मदद करते हैं हमारे कामों को बनाते हैं उनके दिमाग में कोई बात सुन उन्होंने वहां पे एक बुत लिया जिसका नाम हुबुल था ये हुबुल जो है ये हलवे वाले हे से नहीं है ये गोल हे से है तो इसकी स्पेलिंग भी मैंने काफी दफा करेक्ट की है लेकिन फिर भी गलत है इसको चेक करिएगा हुबुल नामी बुत उन्होंने लिया और वो बुध जो है वो पहला बुध था जिसने मक्का की सरजमीन में कदम रखा जब वो वापस आया उसने वो बुत लेके काबा के अंदर रख दिया क्योंकि वो एक्सीलेंट निगोशिएटर था आला सरदार था लोग उसकी बात आसानी से मान जाते थे इस तरह की इब्तदा हो गई जो लोग भी तवाफ के लिए आते थे जब उन्होंने बुतों को देखा उन्होंने कहा ये क्या है उन्होंने कहा ये मदद करते हैं उन्होंने कहा अच्छा ये हमें भी चाहिए जैसे आज मैं किसी के घर जाऊं कोई अमेजिंग चीज देखूं डिफरेंट चीज़ देखू मैं कहूंगी ये क्या है तो कहेंगी जिसकी बड़ी बरकतें हैं तो बगैर पूछे सोचे समझे पीछे से चेक किए मैं कहूंगी मुझे भी दे देना मेरे घर भी कोई बरकत आ जाए तो उन्होंने क्या किया बुत मांगना शुरू कर दिए इसी तरह हर कबीले ने अपना बुत बनाया और जब आप सल्लाम इस दुनिया में आए तो तो खाना काबा में तीन सौ बुत थे इसी तरह हमने देखा कि कैसे मक्का में यहूदियत और ईसाइत ने फरोह पाया तुबान असद अबू कर जो था वो निकला शाम की तरफ गया यसरब में उसके बेटे को पकड़ लिया गया और वहां पे कत्ल कर दिया गया जब वो उनसे बदला लेने के लिए वापस यसरब आया तो दो आलिमों से मिला और कहने लगा मैं चाहता हूँ यसरब खत्म हो जाए तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्लाह ने पुरानी किताबों में यह लिखा है कि यहाँ पे एक ऐसे नबी आएंगे जो आखिरी नबी होंगे तो ये तो नहीं कर सकते वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने भी यहूदियत कबूल कर ली यहूदियत कहते हैं जूस को जूजम को वहां से वो उनके साथ मक्का में गया और उसका इरादा था कि उसको पता चला खजाना दबा हुआ है जमजम के मकाम पे क्या निकालू जब वहां पहुंचा तो यहूदियों को उसने यहूदियों ने उसे कहा कि जाओ और तवाफ करो जब तवाफ करने लगा कहा आप भी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें इजाजत नहीं है कि हम बुद्धों का तवाफ करें हमारे लिए बहुत अमल की बात थी कि हमने भी अपने दीन से स्टिक रहना है दूसरों की बातों में आके अपने दीन को नहीं छोड़ना जब तवाफ किया और वहीं पे वो सो गया तो उसको ख्वाब में आया कि वो खाना के आबा के ऊपर कपड़ा डाल रहा है इस कस्बा के बारे में मुख्तलिफ रिवायात है लेकिन ज्यादातर में यह आता है कि पहला कस्बा उसी ने डाला था इसके बाद हमने वाक पढ़ा वाक फील में हमने पढ़ा कि एक उस अब्रहा जो था यमन के में उन्होंने एक सना के मकाम पे कलीसा बनाया चर्च उन्होंने कहा जैसे अरब में लोग जाते हैं और तवाफ करते हैं उनको इतना प्रॉफिट हो रहा है वो तिजारत कर रहे हैं क्यों ना हम भी ऐसा बनाएं तो लोग यहाँ पे आएंगे हमें प्रॉफिट होगा यहाँ से एक बंदा गया और सना के मकाम पे जो कलीसा उनकी इबादतगाह बनाई थी वहां पे उसने अपनी निजात मल दी ये देख के अब्रहा को बहुत घुस आया उसने साठ हजार का लश्कर लिया छह से बारह नौ से बारह उसने हाथी लिए और जंग के लिए निकल गया वादिये मुहसर में पहुंचा कि वहां पे उसका जो सबसे लीड करने वाला हाथी था वो बैठ गया और मूव नहीं कर रहा था ये भी एक इशारा था उसके लिए कि वो पलट जाए लेकिन वो नहीं पलटा हजरत अब्दुल मुतलिप उस वक्त सरदार थे उन्होंने क्या किया उन्होंने फाइट नहीं की उन्होंने सब मक्का वालों को कहा क्योंकि तादाद में कम थे उन्होंने कहा कि आप पहाड़ियों के टॉप पे चले जाएं। ये अल्लाह का घर है अल्लाह खुद इसकी रखवाली करेगा और ऐसा ही हुआ कि अल्लाह सुबहान तला ने अबाबील के झुंड भेजे उनके चोंच में और पाओ में पत्थर थे जिस जो जहां लगते उनके आजा कर जाते इसी तरह वो घुस की तरह बन गए इस का सारा पस हमें कहाँ मिलता है सूरह फील में जो पुराने पाक की एक खूबसूरत सूरत है और ये तमाम वाकयात आप वसल्लम की पैदाइश से पचास से पचपन पहले हुए थे सबसे क्लोजेस्ट वाकया तारीख का जो हमें मिलता है वो है वाक जो आप सल्लाह वसलम की पैदाइश से पास पचास से पचपन दिन पहले हुआ था ये था क्विक रिकैप जो हम कर चुके हैं نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

उसके बाल कैसे हैं उसकी आंखें कैसी हैं उसका कद काट कैसा है उसकी जसामद कैसी है वो लगता कैसे होगा आज अफसोस की बात है कि हम एक्टर्स को तो बहुत जानते हैं लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल वसल्लम के हुलिया मुबारक से ना वाकिफ हैं। खालिक तेरे कमाल की हद तो नहीं मगर तखलीर मुस्तफ़ा तेरी हद कमाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक हम देखेंगे शमाइल तिरमजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक खूबसूरत गोल था बाल नीम घुंगरेले थे अक्सर मांग दरमियान से निकालते लेकिन कभी साइड से भी निकालते थे बाल कान की लो तक लंबे थे बालों की लंबाई के बारे में हमें तीन रिवायतें मिलती हैं एक ये कि आपके बाल कान की लो तक लंबे थे दूसरे ये कि कान की लो और कंधों के बीच में थे तीसरी ये कंधों को टच करते थे माथा कुशादा था भवें गोल और कुमानदार थी बल्कि दराज थी आप सल्ला वसलम की आंखें मोटी लंबी और खूबसूरत थी आंखों में पुतली सयाह और सफेदी चमकती हुई नुमाया थी आंखें हर वक्त कुदरती तौर पे सुरमा घी होती थी ऐसे लगता था सुरमा लगा हुआ है तो इसका मतलब है उनकी पलकें कितनी थिक कितनी डेंस होंगी कि लगता है और ऐसे सोचे कि जिसकी पलकें अगर हम हमारी तो सोच ही नहीं जाती लेकिन जिसकी पलकें अच्छी घनी होती आंखें कितनी खूबसूरत लगती हैं और बड़ी आंख और उसकी पलकें इतनी घनी अल्लाह पर पल्के दराज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मोटी लंबी और खूबसूरत थी आंखों में पुतली सया और सफेदी चमकती हुई नुमाया थी आंखें हर वक्त कुदरती सुरमागी होती थी आंखों में नूर और कशिश थी आप वसल्लम जब आंख उठाते तो कोई नहीं देख सकता था उनकी आंखों में आप वाले वाले वसल्लम कभी भी किसी को डायरेक्टली नहीं देखते थे उनकी नजर जो थी ना वो इस लेवल पर रहती थी वो कॉर्नर से देखते थे लेकिन अगर किसी की तरफ आंख उठा देख ले तो अगले बंदा उनको देख ही नहीं सकता ऑटोमेटिकली आंखें झुक जाती थी आंखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंख उठाते तो कोई नहीं देख सकता था गाल मुबारक गोल थे चेहरा मुबारक 14वीं के चांद की तरह चमकता रंग कलियों की तरह खूबसूरत चमकता हुआ था होंठ मुबारक गुलाबी और खूबसूरत थे दांत मुबारक गोलाई में सफ सफेद और चमकदार थे अगर आप किसी को देख रहे हो आपसे कोई बात कर रहा हो सफेद हो और चमक रहे वाले वसल्लम की जब हम एक एक देखते हैं इतनी परफेक्ट अल्लाह सुबहान तला ने बनाई है कि नजर कैसे हटती जब आप वाले वाले वसल्लम मुस्कुराते तो दांतों से नूर निकलता था दाढ़ी मुबारक खूबसूरत और घनी थी दाढ़ी और सल में कुल या 20 सफेद बाल थे आप सल्ला की गर्दन बारीक लंबी और दार थी। लंबी गर्दन खूबसूरती की अलामत है और हर हर चीज को जब हम मैं देख रही सोच रही और पढ़ रही तो अंदाजा हो कि अल्लाह सुबहान हर चीज को कितनी परफेक्शन से बनाया था गर्दन लंबी बारीक और सुराहीदार थी सीना चौड़ा छाती चौड़ी जिसम पर बाल नहीं थे छाती के दरमियान बालों की एक लकीर सी थी जो नाक पर जाकर खत्म हो जाती थी कलाइयों पर हल्के हल्के बाल थे बाजू लंबे दराज थे उंगलियां लंबी और सीधी थी हथेली कुशादा थी बिल्कुल सीधा कद था सीना और पेट बराबर थे पाओ इंतहाई नर्मो नाजुक थे आप सल्लाम के पसीना मुबारक से खुशबू आती थी आप जब मुस्कुराते तो आपका नूर दीवारों पर पड़ता था शर्मो हया का पैकर थे आप जब चलते तो कंधे झुकाकर नहायत आजजी से चलते आप सल वसलम ने कभी किसी को उंगली के इशारा करके नहीं बुलाया हम आप सल के उमती हैं लेकिन शर्मोहया नहीं आज के प्रोपोगेंडो में से एक प्रोपोगेंडा है कि मैं औरत हूँ लेकिन फिर भी मैं सर उठा के सीना चौड़ा करके क्यों ना चलूं क्योंकि मैं मर्द के इक्वलेंट हूँ वो शख्सियत जिसके लिए अल्लाह सुबहान तला ने कायनात बनाई वो कैसे चल रही है कंधे झुका कर आज़जी से तो हमारे लिए अमल की बात क्या है हमने भी आईंदा कंधे झुका हायत आजजी से चलना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ऐसे करके नहीं बुलाते थे इधर डरा हम कितने आराम से कहते हैं इधर डराओ बल्कि पूरे हाथ से इशारा करते क्यों किसी भी एंगल में किसी भी बात में अमल में किसी भी फेल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको तकबर की जरा से झलक हुई नजर नहीं आएगी अब इसमें हमने अपने लिए चेक पॉइंट रखने हैं क्या आप सल वसल्लम क्या करते थे और मैं क्या करती हूँ कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा किसी के बारे में नहीं सोचेगा सबसे पहले अपने बारे में सोचे क्योंकि सबने अपनी कब्रों में जाना है मैं किसी को कैसे बुलाती हूँ मैं के बुलाती हूँ मैं हाथ की उंगली के इशारे से बुलाती हूँ या पूरे हाथ से मिलाती हूँ मैं सड़क पर जा रही होती हूँ तो सीना मर्दों की तरह चौड़ा करके घूर घूर के देख लेती हूँ या मेरी नजरे नीचे होती है और आज ही इनके सारे से चल रही होती ये सारे चेक पॉइंट्स आपने लेने हैं। आप जैसे सामने देखते वैसे ही पीछे देखते थे इस बात को लोगों ने बड़ा मिस इंटरप्रेट किया उन्हें लगा कि शायद पीछे से भी उनको नजर आता था ऐसी बात नहीं है इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं मेरा पूरी मेरा पूरी बॉडी आपकी तरफ है फेस आपकी तरफ है। अगर बैक पे मुझे कोई बुला रहा है तो मैं पूरी टर्न करूंगी और फिर उसकी तरफ देखूंगी इसका मतलब है मैं पीछे वाले को भी उतनी ही अहमियत देख दू मैं ऐसे करके नहीं देख रही तो आप पूरा टर्न करके देखते आप कभी भी हाफ टर्न ना करते या सिर्फ फेस टर्न ना करते आप जैसे सामने देखते वैसे ही पीछे देखते थे इसका मतलब समझ आया जी आपको देखने से दिल नहीं भरता था बल्कि दिल बार बार देखने को करता था किसी की आंखों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि आप अलैहि वसल्लम को जी भर कर देख सकता आप अलैहि वसल्लम की आवाज में जादू था बातों में फसाहत और बलागत थी आप कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते थे टू द पॉइंट बात और बात इतनी डीप कि वो समझते समझते सहाबा रह जाते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश भी होते तब भी वकार छा जाता ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने शुमाइल तिरमजी से ली हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी में कोई सवाल नहीं है तो कितने ज्यादा पॉइंट्स हमें भी अमल के मिल गए सबसे पहली बात मैंने आजी से चलना है आराम से जमीन पे पाँव रखने हैं पटक पटक के नहीं चलने आंखों को झुका के चलना है आजी इनके सारी से चलना है किसी नामहरम से, से भी बात करनी है कोशिश करनी है डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना ये तमीज नहीं है और ये तहजीब हमारी नहीं है। अगर किसी की तरफ देखना भी पड़े तो बड़े अदब से कोशिश करें अवॉइड करें देखें दूसरी बात है अपनी चाल को शर्मो हया वाला बनाए किसी को उंगली के इशारे से नहीं बुलाना किसी को ऊंची आवाज में नहीं बुलाना अगर कोई बुला रहा है तो ऐसे करके देखना है नहीं पूरा टर्न हो जाना है क्यों उसकी इज्जत के लिए और जब हम ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता एडॉप्ट करेंगे ना हमारे अंदर से तकबर खत्म होगा तकबर को खत्म करने के भी बहुत से स्टेप्स होते हैं इन हमने उनको फॉलो करना है बात टू करनी है फजूल बातों में नहीं पढ़ना टू करें आता है तो कहीं आता है नहीं आता है, तो माजरत कर ले दलीलें नहीं देनी और खामोश रहना है वकार के साथ खामोशी हमत अमली है और हमत अमली को हमने अपनाना है हजरत आयशा रजी अल्ला से रिवायत है कि आप कपड़े सी रही थी और सुई गुम होगी आप सलम घर में दाखिल हुए आप सल्ला के चेहरे मुबारक के नूर से रोशनी हुई और हजरत आयशा को गुमी हुई सुई मिल गई अकबर कितना नूर होगा हम जैसे लोग सुई वैसे ही गिर जाए तो मिलती नहीं हाय हाय पता नहीं कहाँ चलेगी और इतना नूर कि गुमी हुई सुई मिल गई हज़रत आयशा रजी अन्हों से रिवायत है कि औरतों ने सलाम को देखकर अपने हाथ और उंगलियाँ काट लीं अगर मेरे महबूब वसल्लम को देखती तो दिल चीर ले कितने खूबसूरत थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्हुस हजरत अबू हुररा रजी अल्लाह से रिवायत है कि मेरी आंख ने आप सल्हम से ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा जब मैं पढ़ी थी ना मैं कर रहा था अल्लाह ताला कोई ऐसी तरीका हो कि मैं आप वसल्लम का दीदार कर लू और बचपन से ना अंदर एक शौक था कि आप अलैहि वसल्लम का दीदार कर लू और क्या कह सकती हूँ जाहिल मुसलमानों की तरह मैं भी वजीफे ढूंढती थी जिसमें लिखा होता था कि ये पढ़ ले इतनी दफा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा ये पढ़ ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा लेकिन जब सीरत पढ़ना शुरू की तो नहीं है अभी तो वो किरदार नहीं अभी तो अफवाल नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अभी तो नसीब नहीं अब हम सीरत पढ़ेंगे ना अभी अब सारी खसूसियात पढ़ेंगे जब दोबारा भी क्लास सुनेंगे दिल में जोश और शौक पैदा होगा ना तो हमने हर हर चीज को एडॉप्ट करना है फिर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें दिता जितनी तड़प होगी ना वो चीज उतनी ही मिलगी अगर तड़प नहीं है तो आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी हजरत अंस बिन मालिक रजी अनहू से रिवायत है कि पूरे चांद की रात थी चांद नेहायत प्यारा शानदार और रोशन था इस दौर में हुसन जमाल को चांद के साथ तशबी दी जाती थी आप फरमाते हैं मैंने सोचा कि देखूं चौधरी का चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे महबूब कहते हैं मैं ये देखने के लिए कुछ दूर खड़े हजरत मोहम्मद सल्लम को देख रहा फिर मैंने चांद को देखा फिर आप सल्लाम को देखा फिर चांद को देखा फिर आप सल्लाम को देखा और फिर चांद को देखा गर्ज कई बार देखा आप रजी फरमाते हैं अल्लाह की कसम मेरे महबूब आका वसल्लम चांद से बहुत ज्यादा खूबसूरत आप अलैहि वसल्लम की जत मुबारक इतनी मुकम्मल इतनी कामिल थी कि किसी एंगल से आपको उसमें कोई फॉल्ट नजर ही नहीं आ सकती अल्लाह जात परफेक्ट परफेक्ट कहते हैं ना सुप्रीम हर लेवल पे सुप्रीम और जो अल्लाह का महबूब हो तो कैसे हो सकता है कि उसकी जात खूबसूरत और कामिल ना सरकार का होलिया मुबारक बरिवायत उम्मे माबत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनवरा की जानब शरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक देहाती औरत के पा घर के पास से गुजर हुआ जिसका नाम उमे महबत था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला तआला अनहु भी थे हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला तआला ने इस औरत से कहा अगर तुम्हारे पास कुछ गोश्त या दूध है तो हम इसे खरीदना चाहते हैं उमे महबत ने कहा हम कहत साली में मुब्तला हैं और खाने को कुछ भी नहीं है ने के के घर के अंदर एक बकरी को देखा और पूछा ये बकरी कैसी है तो उमे महबत ने कहा यह बिल्कुल कमजोर बकरी है वो तो चल भी नहीं सकती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इजाजत दो तो हम इस बकरी से दूध धो लें उमे महबत ने कहा कि अगर आप इस बकरी से दूध धोना चाहते हैं तो ठीक है आप धो लीजिए हजरत मोहम्मद वसल्लम ने बकरी के थनों पर हाथ फेरा और फिर धोना शुरू किया तो सब ने शेर होकर पिया और घर के सारे बर्तन भी भर गए इसके बाद नबी करीम वसल्लम अपने प्यारे सहाबी के साथ मदीना मुनवरा तशरीफ ले गए उमे महबदत का शोर शाम को घर आया तो दूध देख हैरान हो गया और कहने लगा एमे महबद इतना दूध से आया घर में तो कोई ऐसा जानवर नहीं था तो फिर ये दूध किधर से आया? इस कि शोहर ने कहा कि इस करीम हस्ती का हुलिया कैसा था जिसके हाथ इतने बरकत वाले थे उमे महबत ने फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया और वो यूं फरमाती हैं मैंने एक ऐसी जात देखी जिसका हुस्न नुमाया था जिसका चेहरा खूबसूरत और बहुत उमदा थी बड़े हसीन इंतहाई खूबसूरत थे आंखें स्या और बड़ी थी पलके लंबी थी इनकी आवाज गूंजदार गर्दन चमकदार जबकि दाढ़ी मुबारक घनी थी दोनों आबरू बारीक और मिले हुए थे इनके मुबारक कद में भी बहुत म्याना रबी थी ना इतना तवील कद के देख के बुरा लगे ना इतना पस्त के देख के हकीर मालूम हो दूर से देखो तो बहुत ज्यादा बारोब और हसीन और जमील नजर आते और करीब से देखा जाए तो इससे कहीं ज्यादा खूबरू और हसीन दिखाई देते ये हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लाम आइए शरीफ पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين किस किस का दिल ललचा रहा है और दिल से आवाज आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब सब का, का, का। अल्लाह के हुक्म से इसी मोहब्बत से इसी प्यार से हमने आइंदा जितने भी दिन हमारी नेक्स्ट क्लास में हमें दरूज शरीफ पढ़ना है आप वसल्लम के हुलिये मुबारक को ये आपका होमवर्क की असाइनमेंट ही है कि जब भी आपके पास ऐसा टाइम हो जब आप बिल्कुल फ्री हो दिमागी तो भी और फिजिकली भी आपने बैठ के हार्डली पांच मिनट आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें सारी डिटेल है आपने इसको सुनना है और दिल में मोहब्बत महसूस करनी है क्या पता ऐसी मोहब्बत उजागर है कि हमें आप सल्लाम का दीदार नसीब हो जाए और इस वक्त मैं दिल से दुआ करती हूँ अपने लिए आप सबके लिए कि की अल्लाबहान तला हमें आप सल अलाम की ज्यारत नसीब करे अल्लाह सुबहान तला हम सबको मस्जिद नबी में ले जाए हम घुमते खजरा के नीचे न पढ़ें। हम हर वो मकाम जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे अल्लाह सुबहान हम सब के हक में ये सारी दुआएं कबूल करे आमीन या आलमीन आपका मुबारक नसम नामा आप सल्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन केला बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नुजर बिन के बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन मज बिन अदनान ये है मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब आप वसल्लम का नसर नामा याद करना भी हमारे अजलाफ की रिवायत रही है कोशिश करें यकीन करें मैं अपने को देखती हूँ आज से शायद तीन साल पहले तक मैं भी कहती मुझे कहता याद करो मैं तो मैं नहीं कर सकती इट्स टू हार्ड कोशिश करें हर रोज अगर आप दो नाम भी याद करते हैं ना महीने के अंदर आपको ये टिप्स पे हो। और इतना हक तो आप अलैहि वसल्लम हम सबकी पे रखते रहेंगे आप सल्हसम की वालिदा का नाम आमिना था और इनके वालिद इनकेहरा बिन 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 जहरा केलाब थे ये वही केलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी आपके नामे में आते हैं कहा जाता है कि इनका असल नाम या उर्वांग था लेकिन वो कुत्तों के जरिए से बसरत शिकार खेला करते थे इसलिए कलाब के नाम से मशहूर हो गए हर इंसान अपने कबीले अपने खानदान के बारे में बड़ा होता है हम कहीं भी जाते हैं ना जब हम छोटे होते हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो सबसे पहले लोग कहते हैं आप कहाँ से हैं तो हम कहते हैं अच्छा जी हम फलाने एरिया से हैं अच्छा वहां से है वहां पे किसके खानदान से हैं इसी तरह आप वसल्लम का कबीला कौन सा था ये देखते हैं आप कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे जो पूरे अरब में सबसे मुआज कबीला था आप वसल्लम का खानदान और कबीला आम कबीला नहीं था आला नसब का कबीला था कुरैश दरअसल फहर बिन मालिक या नजर बिन कनाना का लकब था बाद में इसकी औलाद इसी नस्बत से मशहूर हो गई यूं तो इस कबीले के हर दौर में सियादत हासिल रही लेकिन कुछ सही को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ कुसई का असल नाम जैद था और वो बचपन में यतीम होकर वालदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीला उजरा में जा बसा था और वहीं पला बड़ा था लेकिन जवान होकर मक्का आ गया और कुछ ही दिनों के बाद खाना काबा का मतवली बन गया ये कबीला कुरैश का पे... पहला शख्स था जो खाना काबा का मुतवली हुआ कबीला कुरैश का पहला शख्स कौन था जो खाना काबा का मुतवली कुसई और कुसई की डिटेल हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं मुतवली होने का मतलब यह है कि इसके हाथ में खाना काबा की ये कुंजी यानी चाबी होती थी वो जिसके लिए जब चाहता काबे का दरवाजा खोल देता इसने हाजियों के लिए मेजबानी का तरीका भी ईजाद किया वो हज के दिनों में बड़े पैमाने पर खाना तैयार कराता और चमड़े के बड़े बड़े लगनों में खजूर शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाता और हाजियों को पेश करता जो लोग हज पे गए हैं वो जानते हैं कि हाजियों की बहुत खिदमत की जाती है वहां पे पानी खाना फेंक रहते हैं तो अगर ये पूछा जाए कि इसकी इबदा किसने की तो किसने की कुछ सही ने की आपको ये बात पता होनी चाहिए इसने काबे के शुमाइल में क्या तामीर किया था कुछ ने बहुत इम्पोर्टेंट एक बिल्डिंग तामीर की शाबाश नद्वा। उसका नाम था दारुल नदवा इसने काबे के शुमाइल में दारुल नदवा के नाम से एक घर भी बनाया जो कुरैश की इज्तमाही सरगर्मियों का मरकज था यही इनके पार्लियामेंट भी था और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते दे थे कुरैश का झंडा और कमान भी कुछ सही ही के हाथ में था चुनाचे लड़ाई का झंडा इसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था वो बड़ा करीम और अकलमंद था कुरैश इसकी बात बेचू और चरा तस्लीम कर लेते थे ये था आप वसल्लम का कबीला और अब पढ़ेंगे आप अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में आप वसल्लम का खानदान आपके परदादा हाशिम की नस्बत से हाशमी कहलाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान क्या कहलाता था हाशमी उनको सही की मुनासबत मुन, मुनासिब में से हाजियों की मेजबानी का मनसब हासिल हुआ जो इनके बाद इनके भाई मुतलब की तरफ मुंतकिल हो गया मुतलिब के बाद फिर हाशिम की औलाद को ये मनसब हासिल हुआ और इस्लाम की आमद तक उन्हीं के हाथ में रहा हाशिम अपने जमाने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे उन्हें वादिय बतहा का सरदार कहा जाता था वो रोटी तोड़ तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते दे थे उस टाइम पे ये खाने पकाने का रिवाज ज्यादा नहीं था वो लोग इतना इस चीज पे नहीं करते थे लेकिन जब ये पकाते थे तो ये खास किसी की मेहमानदारी समझी जाती थी तो प्रॉपर शोरबे वाला गोश्त बनाते थे और रोटी तोड़कर उसमें डबो दिए थे चूंकि अरब में इस तरह की कि किसी चीज को तोड़ने को हशम और तोड़ने वाले को हाशिम कहते हैं इस वजह से इनका नाम हाशिम पड़ गया कुरैश तजारत पेशा थे हाशिम ने इनके लिए जाड़े में यमन और गर्मी में शाम का तजारती सफर मुनजम किया और इसके लिए दोनों मुल्कों के जिम्मेदारों से जमानतें हासिल की इस सफर का जिक्र कुरान मजीद में सूर्य कुरैश में अल्लाह तला के एक बहुत बड़े एहसान के तौर पर किया है जैसे जैसे हम सीरत पढ़ते जाएंगे कुरने पाक की सूरतों का जिक्र आता जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये सूरत किस तरह कनेक्ट होती है किस जगह से जाके कनेक्ट होती है तो ऐसे समझें कि हम साथ कुरान की तालीम भी ले रहे हैं आशिम एक बार तिजारत के लिए शाम जाते हुए मदीना मुनवरा से गुजरे तो वहां बनु अदी बिन नजार की एक खातून सलमा बिनते अमर से शादी कर ली और कुछ अरसा ठहर कर मुल्क शाम चले गए और वहां सरजमीने फलस्तीन के मशहूर शहर गजा में इंतकाल कर गए। इनकी रवानगी के वक्त सलमा हामला थी बाद में बच्चा पैदा हुआ जिसके सर के बालों में सफेदी थी इसलिए इसका नाम शैबा रखा गया ये बच्चा मदीने में परवरिश पाया लेकिन मक्के में हाशिम के भाइयों और खानदान के दूसरे लोगों को इसका इल्म नहीं था आठ बरस बाद को इसका पता चला तो वो मदीना जाकर इसको अपने साथ ले आए जब मक्के में दाखिल हुए तो लोगों ने समझा कि ये उनका गुलाम है चुनाचे इसे अब्दुल मुतलिण, अब्दुल मुतलिण कहने लगे बिल आखिर मशहूर हो गए अब्दुल मुतलिप कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब हम देखते हैं कि अब्दुल मुतलि कैसे थे जाएगी अब्दुल मुतलिब बहुत खूबसूरत और अजीम इंसान थे इनके दौर में इनका हम मर्तबा कोई नहीं हुआ वो कुरैश के सरदार और मक्का के काफिले तजारत के जिम्मेदार थे अपनी सखावत की वजह से उनका लकब फयाज पड़ गया इनके दस्तर का का पूरा मस्किनों जानवरों और चिड़ियों के खाने के लिए रख दिया जाता था और इस बिना पर इनका ये उस बन गया जमीन पर इंसानों और पहाड़ की चूटियों पर वैशी जानवरों और चिड़ियों को खाना खिलाने वाला है उन्हें जमजम के कुएं खोदने का भी शर्फ हासिल हुआ ये पूरा किस्सा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस कुएं को बनु जुरहम ने मक्का से जिला वतन होते वक्त पाट कर दिया था इस वक्त से इस जगह ये जगह नामालूम चली आ रही थी अब्दुल मुत्तिब को ख्वाब में इसकी जगह बतलाई गई और खोदने का हुक्म दिया गया उन्होंने खोदा तो पुराना कुआं बरामद हो गया उन्ही के जमाने में खाना काबा पर हाथी वालों का हमला हुआ ये भी हम हमला किसने किया था अब्रहा अब्रहा ने, अब ने हमला किया था और साठ हजार का वो लश्कर लेकर आया था वादिय में आके उस पे अल्लाह का अजाब आ गया था और ये वाक़ आप वाले वसल्लम की पैदाइश से पचास और पचपन दिन पहले पेश आया आप वाले वसल्लम के वालिद ग्रामी दादा पढ़ लिए उससे पहले पढ़ता था पढ़ लिए अब आगे आप सल्लाह के वाले मोहतरम की तरफ आप सलम के वाले ग्रामी अब्दुल्ला अब्दुल मुतलि के सबसे खूबसूरत पाक दामन और चहीते लड़के थे खूबसूरत और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए पाक दामन हम चाहते हैं ना कल हमारी औलाद अच्छी हो नेक हो पाक दामन हो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनना पड़ेगा पाक दामन पाक दामन माओ की ही पाक औलादेम जब हमने हजरत हाजरा के बारे में पढ़ा कहाँ से वो चली कहाँ पहुंची क्यों अल्लाह ने क्यों सिलेक्ट किया क्योंकि वो पाक था जब आप कुरान पढ़ते हैं हजरत मरियम के बारे में पढ़ते हैं अल्लाह ने क्यों चुना क्या थी पाक था अपने दामन को हमने पाक रखना है आजकल के गंदे माहौल में ये एक चैलेंज है लेकिन नामुमकिन नहीं उसके लिए करना क्या है अपने आप को हर उस चीज से दूर रखना है जो हमारे दिमाग में ताऊती ख्याल लाता है चाहे वो ड्रामा हो जिसमें गंद दिखाया जा रहे है। चाहे वो टिकटॉक हो चाहे वो स्नैपचैट हो चाहे वो फेसबुक हो मेरी ये आंखें अगर किसी भी किस्म का गंद देखती हैं, मेरे ये कान अगर किसी भी किस्म की इरेलीवेंट बात सुनते हैं तो क्या मुझे आप वसल्लम का दीदार नसीब होगा अभी थोड़ी देर पहले सवाल मैंने किया था ना तो बड़े पुरजोश तरीके से जवाब आया था हम चाहते हैं हम चाहते हैं तो हमने अपने आप को इस काबिल भी तो बनाना है काबिलियत होगी तो कबूलियत का शर्फ इंशाल्लाह मिलेगा उन्हें जबी भी कहा जाता है हजरत अब्दुल्ला को क्या कहा जाता है? जबी। अब क्यों इसकी वजह यह है कि जमजम की खुदाई के दौरान जब कुएं के निशानात बरामद हुए तो कुरैश ने भी अब्दुल मुतलिब के साथ शिरकत करना चाही और इसके लिए इसने झगड़ा किया जो बड़ी मुश्किल से फर... बड़ी मुश्किल से टाला गया ये देखकर अब्दुल मुतलिब ने नजर मानी कि अगर अल्लाह ने इसको दस लड़के दिए दे दिए और हर एक मुकाबले के लायक हुआ तो मैं इसमें से एक को अल्लाह की राह में जबा कर दूंगा अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इनकी ये मुराद पूरी हो गई चुनाचे उन्होंने सब लड़कों के दरमियान कुर्रा डाला कुर्रा निकला हजरत अब्दुल्ला के नाम वो ले गए उनको जबा करने के लिए इसी तरह पहले भी हमने किसी के बारे में पढ़ा है किसको जबा करने के लिए कौन लेके गया था जी हाँ हजरत को लेके गए थे हजरत इब्राहिम अब आगे जरा बड़े गौर सुनिएगा कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला लिहाजा इनको जबा करने के लिए खाना काबा के पास ले गए मगर कुरैश ने उन्हें रोक दिया बिलखसूस अब्दुल्ला के भाई और मामू सख्त आड़े आए बिल आखिर ये फैसला हुआ कि इनके बदले 100 सौ ऊँट जबा किए जाएंगे चुनाचे अब्दुल मुतलिब ने ऐसा ही किया इसलिए आप वसल्लम को दो जबीहों की औलाद कहा जाता है अब जो मैं पूछने लगी उसका जवाब आपको मालूम है तो घबराना नहीं है गौर से सुनना और जवाब देना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो जबीहों की औलाद क्यों कहा जाता है

इस तरह आपको दो फिदिया दिए गए बुजुर्गों की औलाद भी कहा जाता है क्या फिदिया दिया गया था एक फिदिया दिया गया था कि जब हजरत इस्माइल की जगह मेंढाई का फिदिया आ गया था और दूसरा जब हजरत अब्दुल्ला की जगह सौ ऊंटों का फिदिया दिया गया क्या, क्या क्या कहा जाता है आप वसल्लम को दो जबीहों की औलाद और दो फदिया दिए गए बुजुर्गों की औलाद उसके बाद हम देखते हैं कि अब्दुल्ला की शादी आमना बिनते वहाब से हुई जो इस वक्त कुरैश की सबसे बुलंद पाया थी आप सल्ला की पैदाइश होने वाली है आप वाले वाले वो जिनके लिए जमीन और आसमान तो उनके वालिद कितने आला पाए के थे उनकी वालिदा कितने आला पाए की थी दोनों कितने जबरदस्त खानदान से बिलोंग करते थे दोनों पाक दामन थे दोनों एक्सिलेंट लोग थे उस वक्त के अगर आज हम चाहते हैं ना कि अल्लाह हमसे दीन के बेहतरीन काम ले ले तो हमें इस दौर का एक्सीलेंट मुसलमान बनना पड़ेगा ये छोड़ दें वो क्या करता है वो ये कर वो वो कर रहा है लीव हमेशा एक बात तो पल्लू से बांध ले कि हम सब ने अपनी अपनी कबर में जानी है राइट मैं उसकी हिसाब दे हूं जो मैंने किया वो उसका हिसाब दे है जो वो करता है अगर मैं चाहती हूं कि अल्लाह सुबहानो मुझसे दीन का बेहतरीन काम ले ले तो मुझे आज आला पाए की माँ आला पाए की बीवी आला पाए की बहू बेटी बनना पड़ेगा उसके लिए हर रिश्ते में मुझे अपना आप कुर्बान करना पड़ेगा किसी के ऊपर ससुराल वालों की आजमाइश किसी के ऊपर शोहर की आजमाइश है किसी के ऊपर औलाद की आजमाइश है किसी के ऊपर वाले की आजमाइश है किसी के लिए खुद अपना आप एक आजमाइश आजमायश से तो गुजरना पड़ेगा अगर अपर मोस्ट लेवल की चीजें चाहिए तो अपर मोस्ट लेवल की कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी। इनके हजरत आमना के बाप वहाद बिन बनू जहरा का सरदार और अली नसब थे आमना शादी के बाद ही उम्मीद से हो गई उधर कुछ अरसे बाद अब्दुल मुतलिब ने अब्दुल्ला को तिजारत के सिलसिले में मदीना या शाम भेजा वापसी पर वो मदीने में इंतकाल कर गए क्या इस वक्त तक आप पैदा नहीं हुए इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था आप सल्लाम के दादा के बारे में अब्दुल मुतलिब और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो एग्जैक्टली सेम थिंग उनके साथ हुई थी उनके वाले तजारत के लिए गए वालदा से सलमा से शादी की और क्या हुआ वो फौरन उम्मीद से होगी लेकिन उसके बाद उनकी डेथ होगी सेम चीज किसके साथ हुई आप सल्ला अगर दुनियावी एबार से देखा जाए किसी कोई औरत उम्मीद से हो और उसके शौहर की डेथ हो जाए तो दुनिया क्या कहेगी अल्लाह इसके साथ तो क्या हो गया अभी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी ओहो ये तो तो बड़ा जुल्म हो हो गया गया ये तो इस बच्चे के साथ क्या हो गया? सीरत पढ़ते पढ़ते ना इतनी शर्म आती है ना हमारे तो माँ बाप ही जिंदा है हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे आप सलम ने तो अपने वालिद को देखा ही नहीं और आगे आगे सीरत पढ़ते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी से सब प्यारे चले गए हमारे पास क्या एक्सक्यूज होगी कल पेश करने के लिए अल्लाह ताला मेरे तो वालिदैन थे हाँ बस खाना थोड़ा कम थे मेरे तो बहन भाई थे बस मैं ना यकीन जाने हमारे पास एक पॉइंट की एक्सक्यूज और जो दुख और हम हम लेके बैठे हुए हैं ना उस पे जब आप सीरत पढ़ लेंगे ना खुद हंसेंगे ये कोई दुखी होने की बात थी अगर उस वक्त हजरत आमना दुखी हो जाती और बैठ के अपने दिल को ये रोग लगा लेती तो वह आप वसल्लम को मोहब्बत दे पाती हमेशा याद रखें जो कुछ जिंदगी में होता है वो अल्लाह की रजा से होती रदी तो बिल्ला रबा इस पे हमारा पूरा यकीन होना चाहिए जब पूरा यकीन होगा ना तो बड़ी से बड़ी कयामत टूट भी जाए तो क्या करेंगे हमें अल्लाह के पास जाना है नो डील अच्छा इतने साल जिंदा रही हूँ बहुत हुआ दस पंद्रह और जिंदा रह जाऊंगी फिर भी तो जाना असल फोकस क्या जन्नत अल्लाह की रजा यहाँ तो रहना ही नहीं है फिर दुख होगा दुख तो तब होता रहे जब हमें पूरा यकीन हो हमने पूरी जिंदगी इधर ही गुजारनी आज से छोटी छोटी बातों पे दुखी नहीं होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में सल्ला हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए वो सोमवार की सुबह थी रबी उल अव्वल के नौ और बारह तारीख दोनों में से डाउट है आप वसल्लम नौ या बारह तारीख को पैदा हुए थे जिसमें अब्रहा ने मक्के पे हमला किया था साल कौन सा था जिसमें अब्रहा ने हमला किया था चूंकि वो अपने साथ हाथी भी लाया था और अरबी में हाथी को फील कहते हैं इसलिए इस साल का नाम साल का नाम आमुल फील है आप अलैहि वसल्लम किस साल में पैदा हुए आप वसल्लम वसलम फील में पैदा हुए आप वसल्लम तो किस दिन पैदा हुए आप वसल्लम सोमवार के दिन पैदा हुए आप वसल्लम किस मौसम में पैदा हुए आप वसल्लम बहार में पैदा हुए आप वसल्लम किस तारीख पे पैदा हुए आप वसल्लम नौ या बारह को पैदा हुए अब जब बारह रबी आती है आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के बारे में इख्तलाफ Certainity नहीं लेकिन वफात का दिन सर्टन पता है वो तो वही है बारह रेब्यू लेवल बारह रेब्यू लेवल वाले दिन अजीब सा पता नहीं कोई हशर हुआ होता है लास्ट में मुझे याद है सड़कें ब्लॉक हैं, अजीब मोटरसाइकिल पे निकले हुए हैं और अजीब से नारे लगा रहे हैं हम पोट्रे क्या करना चाह रहे हैं अगर हम ये मान लें कि उनकी पैदाइश और वफात का दिन नहीं है तो फिर खुशी किस बात की और अगर डिफरेंट है तो, तो उनकी पैदाइश का दिन ही नहीं है वो तो वफात का दिन है इस दफा रबी को हमने शहरी तौर पर मनाना है मोहब्बत का इजहार कैसे होगा बाजे बजाने से नारे लगाने से ऊंची ऊंची बिदतों वाली नाते पढ़ने से नहीं नात पढ़ना बुरी बात नहीं है लेकिन अल्फाज को बहुत देखभाल केलेक्ट के करें इस दफा हमने रबीबल मनाना है सुनतों पे अमल करके आप को दिल दिल से याद करके करके में उनकी मोहब्बत पैदा करके। आप 571 ईसवी की 22 तारीख को पैदा हुए पैदाइश के वक्त जो दाई थी दाइया का काम हजरत रहमान बिन औफ की वालिदा शिफा बिनते उमर ने अंजाम दिया का काम हजरत अब्दुल रहमान बिन जब आप सले पैदा हुए तो आपकी वालिदा ने खौर में देखा कि इनके जिसम से एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए हैं फिर वालदा ने अब्दुल मुतलिब को आपकी पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई वो शादमा और फरहा तशरीफ लाए और आपको खाना काबा में ले जाके अल्लाह से दुआ की और इसका शुक्र अदा किया और इसकी तारीफ की जाए आपका नाम मोहम्मद रखा मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ किए जाने वाला अब एक सवाल आप लोगों से लफ्ज मोहम्मद पुराने मजीद में कितनी मरतबा आया है शाबाश आज तो क्या बातें हैं लफ्ज मोहम्मद कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है चार मरतबा और उसका मतलब क्या है तारीफ किया जाने वाला फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक सातवें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका और खतना हुआ और लोगों को दावत दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा था अहमद का मतलब होता है जो तारीफ करे और अहमद का लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है शाबाश एक शाहबाश एक्सेलेंट एक जिन जिनको याद था देखिए साथ साथ आपकी रिवीजन हो रही है जो आपकी बेस बिल्डअप की गई थी ना अब आपको उसका इंशाल्लाह फायदा होगा वसल्लम को आपके वालिद की लोंडी उमे बहुत खिलाया करती थी वो हबशन थी और इनका नाम बरकत था अल्लाह ने इन पर बड़ा फजल किया चुनाचे उन्होंने आपकी नबूवत का दौर पाया इस्लाम लाई और हिजरत भी की फिर आपकी वफात के पांच छह महीने के बाद वफात पा गई रजात क्या होता है रजात होता है दूध पिलाना आप सल्लाम को सबसे पहले आपकी वालदा ने दूध पिलाया आपकी वालदा के बाद सबसे पहले अब लेब की लोंडि सोएबा इसको लोग सोबिया भी पढ़ते हैं सोबिया गलत प्रोनाउंसिएशन है इसको कहते हैं सोवेबा ने आपको दूध पिलाया इस वक्त इसका अपना बच्चा भी दूध पीता था जिसका नाम मसरू था सोएबा ने आपसे पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया लिहाजा आप सल्लाम के तीन रजाई भाई भी थे रजात के एतबार से रजाई भाई होते हैं जिन एक माँ ने डिफरेंट बच्चों को जो दूध पिलाया होता है उनके भाई बन जाते हैं रजात के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन भाई थे अरब की मशहूर आदत ये थी कि जब पैदा होता तो उसको तरबियत देने के लिए उसको बिल्ड uh, अप करने के लिए वो बच्चा दे देते थे, थे ताकि उसको ले जाया जाए और उसकी अच्छी उसको मजबूत तंदुरुस्त बना के लेकर जाया जाए हजरत अलीमा सादिया की गौत अरब के शहरी बाशिंदों का था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे ताकि इनके पट्टे मजबूत और इनकी अरबी जबान खास तौर पर ठोस हो जाए इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुतलिब को भी दूध पिलाने वाली दाइया की तलाश थी उधर बनू सात बिन बकर बिन हवाजन की कुछ औरतें इसी घर से मक्का आई और इनके रूबरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वह आपको लेने से इनकार कर देतीं एक खातून हलीमा बिनते अबी जोएब को कोई बच्चा ना मिला लिहाजा उन्होंने मजबूरन ही आपको ले लिया मगर जब ले लिया तो इन पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाजा खुला कि दुनिया हैरत रह गई जिसकी एक झलक आप आगे देखेंगे हजरत हलीमा सादिया के बारे में काफी लोग जानते हैं उन्होंने आप वसल्लम को दूध भी पिलाया उनको पाला पोसा और आप वसल्लम से खास मोहब्बत थी बहुत सी दाइयां आई क्योंकि उधर आम रिवाज था कि बच्चों को ले लिया जाता था उन्होंने चाह के आप को देना था लेकिन कोई नहीं ले रहा था क्यों क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी से खैर का इरादा नहीं करता और उनके दिल में क्या था कि हमें तो इतने पैसे ही नहीं मिलेंगे क्योंकि तो ये यीम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक वहां के अच्छे खानदान से था लेकिन रिच खानदान से नहीं था जो होता था ना आ, सरबरा उसकी इज्जत बहुत होती थी, थी लेकिन पैसा उसके पास हो ये जरूरी नहीं था तो जब किसी को पता चलता है कि ये तीन है तो जैन में ये आता है ना ये कहाँ से देंगे हजरत हलीमा गई तो क्या हुआ कि सब बच्चे जो थे वो दे चुके किस्मत में जब उन्होंने लिया तब उनको अंदाजा नहीं था लेकिन जब अल्लाह खैर का भलाई का इरादा करता है तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती पहले हम देखे कहते आये हाय ये क्या मिल गया और बाद में पता चलता है कि वो हमारी किस्मत में हमारे नसीब में हमारे लिए कितनी चीजें हैं हजरत हलीमा के बाल अबू जोब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था और वो आप सल्लाम के रजाई नाना थे रजात एक बड़ी खूबसूरत चीज थी जो पहले होती थी अब नहीं उससे आपके बहुत से रिश्ते बन जाते हलीमा के शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल औजा था और दोनों ही कबीले सात बिन बकर बिन हवा से ताल्लुक रखते थे इस तरह हारिस के बच्चे बच्चियां आपके रजाए भाई बहन हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि हलीमा के घर मौजूद रहे इनका घर बरकतों से माला माल रहा हलीमा का बयान है कि जब वो मक्का मुकरमा आई तो कहत साली का दौर था इनके पास एक गदी थी जो इस कदर कमजोर और दुबली थी कि पूरे काफिले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी एक ऊँटनी भी थी मगर वो एक कतरा दूध ना देती थी हलीमा का अपना बच्चा भूखी बेकरारी से पूरी रात बिलकता और चीखता रहता था ना खुद सोता ना माँ बाप को सोने देता था मगर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरे पर आई और गोद में रखा तो सीना दूध से भर गया हत्ता के आपने शकम सेर होकर दूध पिया और आपके साथ हलीमा के बच्चे ने भी ही जी भर कर पिया फिर दोनों आराम की नींद सो गए हम मुसलमान हैं हम कहते हैं हम एक दूसरे के भाई बहन हैं लेकिन जब माल की बात आती है तो हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं हमारे साथ श्री पाकिस्तानी कल्चर में बहुत से लोग अटैच होते हैं बच्चों की सूरत में शोहर की सूरत में और डिफरेंट सूरतों में कभी किसी को बेकार ना समझें आपको नहीं पता किस की बरकत से आपको रिस्क अगर आप कमा भी रहे हैं ना कोई कमा नहीं रहा तो आप उसको दे रहे हैं तो ये तो गुमाना करेंगे तो आप उसको दे रहे हैं आप जरिया बने हैं अल्लाह की तरफ से कि उसको माल मिले लेकिन क्या पता उसी की बरकत का आप ले रहे हो दिल में जब ऐसा ख्याल रखेंगे तो दिल हवस से लालच से पाक रहेगा उधर शोहर उठकर ऊटनी के पास गया तो देखा कि थन से दूध उबला जा रहा है चुनाची इसने इस कदर दूध धोहा के दोनों को खूब आसूदा और सैराब होकर पिया और नेहाय पुरसकून रात गुजारी मक्का से वापसी के दौरान हजरत हलीमा इसी खस्ता हाल गदी पर सवार हुई और अपने साथ आप को भी लिया मगर अब वही गदी इस कदर तेज चली कि पूरे काफले को काट कर आगे निकल गई और कोई गदा इसके साथ न पकड़ पाया हजरत हलीमा का वतन दियार, बनु सात सबसे ज्यादा कहद जदा वतन था लेकिन आप अलैहि ले वसल्लम के आने के बाद उनको इतना कुछ मिला कि उनका घर कभी बरकत से खाली नहीं हुआ दो साल गुजर गए मुदत रजात पूरी हो गई चुनाचे हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया इस दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्ता और मजबूत हो चुके थे हलीमा का दस्तूर था कि वो आपको हर छह महीने के बाद मक्का लाती वालदा और खानदान के लोगों से मुलाकातें दिया करती थी उनसे मुलाकात कराती थी फिर अपने दयार बनु साथ वापस ले जाती जब रजात पूरी हो गई और दूध छुड़ा कर आप वसल्लम को आपकी वालिदा के पास लाई तो अब तक जो खैर बरकत देख चुकी थी और जो मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो चुकी थी इसके पेश नजर चाहती थी कि आपको उन्ही के पास रहने दिया जाए चुनाचे उन्होंने वालिदा से अर्ज किया क्यों ना आप बच्चे को मेरे पास ही रहने दें वो जरा और मजबूत हो जाए मक्के में अभी एक वबा आई हुई है मुझे डर लगता है कहीं उसको लगना चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जो एक दफा देखता था उनका दीवाना हो जाता और वो खातून जिन्होंने उनको दो साल पाला सीने से लगाया कैसे जाने दिया उनकी वालिदा मान गई मजीद दो बरस तक आप सलम उनके पास रहे फिर आपका सीना मुबारक चा किए जाने का वाक्य पेश आया जिससे डर कर हलीमा और इनके शोहर ने आपको वापस कर दिया उनस बिन मालिक रजीला तआला का बयान है आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्राइल सलाम तो तशरीफ लाए और आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया फिर आपका दिल निकाला और इसमें एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया कि शैतान का हिस्सा था जो निकाल दिया गया है फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोकर जोड़ दिया और इसी जगह पलटा दिया उधर बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए यानी दाई हलीमा के पास और कहने लगे कुतिला मोहम्मद 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 वसल्लम को कत्ल कर दिया गया वो लोग झटपट पहुंचे तो देखा कि उनका रंग उतरा हुआ था हजरत अनस ताला तनों का बयान है कि नबी करीम वसल्लम के सीने पर सलाई का असर देखा करते थे जिसको अल्लाह सुबहान तला रुतबे देने होते हैं ना बचपन से ही अल्लाह सुबहानो उनको बहुत सी चीज़ों से बचा लेते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर किसी ने एक उम्र अपनी जहालियत में गुजारी है तो उसको हिदायत नहीं मिल सकती हमारे लिए अमल का पैगाम क्या है अपने बच्चों को अभी से गंदे सोशल चीजों से बचाएं। जितना कर सकते हैं उतना तो करें अभी बचाएंगे ना खुद को भी हमने बचाना है उनको भी बचाना है इनशाला तभी आला मनसब पे जाएंगे इस वाक्य के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का पहुंचा दिया गया और आपने अपनी माँ के साए मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर तकरीबन दो बरस गुजारे फिर वालदा दादा और उमे एमन के साथ मदीने का सफर किया जहाँ आपके वालिद की कबर भी थी और दादा का नन्हहाल भी दादा का नन्हहाल मदीना में था याद करें शादी हुई थी मदीना चले गए थे वहां पे मोहम्मद से हुई थी वो वहां पैदा हुए थे फिर वहां पे उनको वापस लेकर आए थे तो निहाल दादा का भी कहा था मदीना में आप मदीना में एक माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गई और अब्बा के मकाम पे पहुंच के रहलत कर गई उन्हें वहीं दफन किया गया बच्चा वालिद नहीं पैदा हुए वालिद तो नहीं देखा रजात के लिए हलीमा सादिया के पास चले गए चार साल वहां रहे फिर वापस जब अपनी माँ के पास आए दो साल माँ की मोहब्बत मिली और फिर क्या हुआ मां चहाने फानी से रुखसत हो गई आज की एक्टिविटी ना आप लोगों ने करनी है बैठना है कोने में और सोचना है जो भी आपको इस वक्त सबसे बड़ा दुख और गम है जो भी है हर बंदे के डिफरेंट चैलेंजेस हैं ठीक है थीके? ये सारा सिनेरियो सोचिएगा और फिर ये सोचिएगा क्या मेरा दुख इस काबिल भी है कि इस पर दुखी हुआ जाए मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी से कहती हूँ आपका जवाब आएगा नहीं और अभी तो इब्तदा है सीरत की आगे आगे देखिए अब बूढ़े अब्दुल मुतलब आपको लेकर मक्का पहुंचे इनके दिल पर आपकी एक नई मुसीबत के एहसास का गहरा जख्म था चुनाचे आपके लिए इनके दिल में ऐसी रिक्कत पैदा हुई कि खुद इनके अपने बेटों के लिए वो ना थी वो आपकी बड़ी कदर करते थे अपनी औलाद से बढ़कर आपको चाहते थे खूब इकराम करते थे इनका खास फर्ज था मतलब एक कुर्सी थी जिस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था इस पे वो आपको बिठाते थे पीठ पर हाथ फेरते आपकी नकलो हरकत देखकर खुश होते और एक रखते हैं कि आइंदा आपकी एक निराली शान होने वाली है लेकिन अभी आपकी उम्र सिर्फ आठ बरस दो महीने और दस दिन हुई थी कि अब्दुल भी इंतकाल फरमाऊ यहाँ पे अगर हमारा एक करीबी रिश्ता चला जाता है ना हम पूरी जिंदगी उसको ही रोते हैं. अगर आप अलैहि वसल्लम पॉजिटिव इंसान ना होते तो वो इतने बड़े बड़े काम कर सकते थे हमारे लिए बहुत ज्यादा अमल के नुकते हैं अपनी मुसीबतों को मुसीबत मत समझे आजमाइश समझे दुखी होना इंसानियत है लेकिन मोमिन क्या है अल्लाह पे यकीन रखे आगे बढ़ जाए मुश्किल आई है कोई बात नहीं दूर करने वाला कौन है अल्लाह और अल्लाह मेरे साथ हमेशा है क्या आप मिलेगा रो के फरयाद करके किसी को बुरा भला करके नहीं ये मोमिन की शान है मोमिन की शान को पहचानना है और इनशाला वैसा बनना है अब आपके चचा तालिब ने आपकी किफालत का बेरा उठाया आपके के सगे भाई थे उन्होंने आपसे खास रहमत और शफकत बरती वो मालदार तो ना थे लेकिन आपकी किफालत के बाद अल्लाह ने तक थोड़े से माल में बहुत बरकत डाल दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुंबे के लिए काफी हो जाता खुद आप भी सबरों का नाक का नमूना थे जो कुछ मिलता आप इस पे कनात करते थे आज हमारे बच्चों को केएफसी ना मिले मैकडोनल्ड ना मिले तो हमें तरह आना शुरू होता है, है ना तो नहीं सिखाई हमने रिस्क का जाया होना तो नहीं बताया हमने उनके रिस्क जाया नहीं करना फिर जब वो बड़े होके एक्स्ट्रा मांगते हैं तो हम क्यों शिकवे शिकायत करते हैं गलती तरबियत है में एक बच्चा आठ बरस सबसे मोहब्बत करने वाले बच्चे के होते माँ बाप बाप था नहीं वालिदा, छ बरस में चल बसी दादा जो नेक्स्ट केयर टेकर थे आठ बरस में चल बसे और आ गए अपने चचा के पास आज होमवर्क तो मिलेगा ही लेकिन एक्टिविटी जरूर करिएगा जब अकेले होंगे ना बैठिएगा अपनी सबसे बड़ी मुसीबत और मुश्किल जो भी आप इस वक्त फेस कर रहे हैं उसको सामने रखिएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके अभी तक के जितने हालात पड़े उनको तो सामने रखिएगा फिर आपको शर्म ना आई तो कहिएगा अल्लाह कही अल्ला हम सब से राजी हो हम सब को कनाक दे हम सबको शुक्र गुजार होने वाला बना दे और हम सबको अपनी रजा में राजी होने वाला बना दे अपने दिल में सीरत मोहम्मद सल्ला रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखें अपने आप को ताबूती निज़ाम से दूर करें फिर तमन्ना करेंगे तो शायद तमन्ना पूरी हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में करिएगा वीडियो थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएगी उसके बाद आपको होमवर्क सेंड किया जाएगा क्विज सैटरडे को इंशाल्लाह भेजा जाएगा